नमस्कार मेरे लिब्रा राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपकी राशि और अप्रैल का मंथ, इस महीने में आपके लिए खास क्या रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके हेल्थ और रिश्तों की बात करूंगा। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में कहूँ तो आप एनर्जी आपके अंदर बहुत है, करना आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है। हेल्थ साथ ना देने के पीछे एक बड़ा कारण है कि रेट्रोग्रेड जुपिटर आपकी राशि से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ केतु के साथ उनका एक ऐसा योग बन गया है कि योग कहीं ना कहीं रुकावट का कारण बन गया है कि चलती हुई गाड़ी में कोई रोड़ा अटक जाए, किस तरह से उसको रुकावट पैदा हो जाए। तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा, खासतौर पे कानों का बहुत ध्यान देना होगा, पेट का बहुत ध्यान देना होगा, किडनी का आपको बहुत ध्यान रहेगा और UTI जैसी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी जो स्थितियाँ, अगर आप पहले से ही इन चीज़ों से परेशान हैं तो आपको और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इस महीने में लेना होगा। हिम्मत आपकी बनी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ साथ नहीं देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि वीनस जो आपकी राशि लॉर्ड है, निश्चित तौर पर 7th हाउस से आपको बल देने की भरपूर कोशिश करें। तो ये कहूँगा कि बैलेंस बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी ओर से भरपूर कोशिश करनी है। अपनी डाइट को अच्छा रखें, टाइम पर सोएं और थोड़ा एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन आदि का अभ्यास करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूँ, कुटुंब स्थान की बात करूँ तो उसके कारक मंगल हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में हैं। तो निश्चित तौर पे रिश्तों में आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप आगे भी अच्छा करेंगे, लेकिन हमेशा ही घूम फिर के कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। और क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं, आप एक समान सबको रखना चाहते हैं, शायद यही एक आपकी समस्या है, इसलिए बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, खास करके वो लोग जो नहीं चाहते, जिनका मकसद होता है कि दूसरों को हानि पहुंचाना और आप उनको वहीं पर रोक देते हैं, समझ सकता हूं मैं। खैर हम आगे बढ़े तो इन रिश्तों में आपको बहुत सावधान रहना होगा। आप अपनी नेचर के हिसाब से ही काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सजेशन मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियाँ आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आपके सिबलिंग की बात करूँ तो निश्चित तौर पर उनका सहयोग, उनका साथ बनने के योग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि शनि की यहाँ स्थिति कुछ माइनस बनती है, दिखाई हुई दे रही है कि कुछ लाभ जो आप देख रहे हैं उसमें आपको पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख ही कोई डिसीजन लेना होगा, जिससे स्थितियां आपके लिए बेहतर बन जाएंगी और लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं अगर आपके 4th हाउस में देखूं, माता के साथ संबंध देखूं, तो कहीं ना कहीं माँ आपकी परेशान दिखाई दे रही है, उसके ऊपर केतु का साया जो है बैठा हुआ है। और वहीं चंद्रमा भी तो आपकी राशि से 12th हाउस में चले गए और केतु और चंद्र का एक योग इस तरह से बन गया है 4th हाउस और कारक हैं चंद्रमा 4th हाउस के, वो कमजोर से भी चले गए। तो मैं कहूँगा कि माँ के साथ अच्छे संबंधों को बनाएं, उनके साथ बातचीत करते रहें, उनको आप हौसला देते रहें ताकि उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, बहुत बहुत ज़रूरी है। और कुल मिला के माँ आपके लिए दुआएं ही देती है, इसमें कोई दो राय मुझे दिखाई नहीं देती है। अगर मैं आपके पंचम भावजन के संतान की बात करूँ तो निश्चित तौर पर संतान के लाभ, संतान के सुख आपके बने रहेंगे। शनि भाव, शनि की राशि से जुड़ा हुआ 5वां घर, निश्चित तौर पर पूरी खुशियाँ कभी नहीं मिलती हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें रह ही जाती हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि आपकी संतान अच्छा करेगी, समय आने पर वो आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, यह एक बहुत अच्छी बात आपकी राशि में जो है वो बनी हुई। तो कुल मिला के संतान, संतान से हुए जब मसलों में कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी जो है वो बैलेंस बनी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं आपके संबंधों की बात करूं तो निश्चित तौर पे वीनस सातवें भाव में है और मंगल आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब जीवन साथी का साथ मिला रहेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में पहले से बढ़ोतरी होगी, लाभ की स्थिति होगी, पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां बन जाएंगी, एक दूसरे को सहयोग मिलेगा, ऐसी स्थितियां हैं। शादी के लिए उत्तम समय है, रिश्तों में आगे बढ़ने का उत्तम समय। अगर इस समय के दौरान किसी वेडिंग को आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी मैरिज में जा रहे हैं तो ये उससे भी अच्छी बात है। कुल मिला के अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट लेवल से निकाल के कुछ हंसी मजाक में, कुछ एनर्जी में, कुछ नाचने गाने में अपना फोकस लगाएंगे तो आपकी एनर्जी फिर से जैसे कहते हैं कि री एनर्जाइज हो जाना वो मिलेगा। और या जो ऐसी बातें हैं जो आपको बार बार आके परेशान करती हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। तो कुल मिला के जो रिश्तों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके अगर मैं भाग्यस्थान की बात करूँ तो आपके भाग्यस्थान में राहु, इस समय राहु है आपके भाग्यस्थान में, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सॉरी आपके भाग्यस्थान में अगर मैं देखूँ तो सॉरी राहु नहीं है, आपके भाग्यस्थान में बुध की राशि है, यानी कि बुध जो इस समय रेट्रोग्रेड है, यानी कि
जिस स्थिति से कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाग्य आपका जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर है, और उसकी वजह से शायद पिता का जो साथ आपको चाहिए था वो मिल तो रहा है, लेकिन उसमें जैसे कहते हैं बकरी दूध देती है मैंगनी डालकर, वही स्थिति हो रही है। आपको उम्मीदें तो हैं लेकिन बात बन नहीं पाती। अगर पिता हैं तो उसका उसकी और उम्मीद रखना जरूरी है, अगर पिता नहीं है तो मुझे लगता है कि ये एक दुखद बात है कि बाप का साया हमेशा बना रहना चाहिए। खैर यही कहूँगा कि इन चीज़ों से कैसे उभरें उसकी हम बात आगे अपने अगली बात में करेंगे। तो कुल मिला के रिश्तों में आपको बहुत कुछ इस बार जो है संयम के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा, और अपने आप अपनी आदत को आपको छोड़ना नहीं है। अब आपके घर और गाड़ी की समस्या को देखते हैं कि समस्या है, जिसमें अलावा प्रॉपर्टी के मसले आपके सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हल्की 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 कुछ जो है रुकावटें भी साथ में बनी हुई हैं। इसके बावजूद भी आप इस मामले में आप कामयाब होते हुए चले जाएंगे और लाभ मिलेगा, और जिससे आपकी बहुत देर से जो चीज़ें थी कि ये सुलझ नहीं है, चाहे वो लीगल मैटर था, चाहे प्रॉपर्टी को सेल करने का था, चाहे प्रॉपर्टी बाय करने का था, कुछ भी ऐसा जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं उसमें आप प्रोग्रेस के योग बने हुए हैं। और वहीं अगर गाड़ी के मामले में ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर अभी आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, तो फिर आप गाड़ी के मामले में भी अच्छे रहेंगे। गाड़ी को लेके हाँ कुछ चिंताएं जरूर रहेंगी, उनकी MOD करवानी है, उनकी सर्विस करवानी जरूरी है, या कुछ और कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से आपको थोड़ा हैसल हो सकती है, लेकिन जी हाँ डोंट वरी, आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। वहीं मैं कहना चाहूँगा अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, ये आपको लगता है आपको एफर्ट बनाने पड़ेंगे, आपके एफर्ट के बगैर ये अच्छा जो है वो दिखाई नहीं देगा। आपने पास में जो जो भी किया है वो अच्छा किया है, उसमें आपने अचीव किया, लेकिन इस महीने में अगर कुछ बहुत ज़रूरी है, कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, तो आपको अपना 100% देना होगा, उसके लिए आपको फुली डिटर्मन रहना होगा, फोकस रहना होगा, फुल प्रयास करने होंगे, तभी बात बनेगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत सारा ध्यान रखना। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम है, इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आ जाए कि आपका करियर, प्रोफेशन, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोन जैसी स्थिति बन रही है, या तो आप लोन लेना चाहते हैं या लोन लिया हुआ है वो आपको उतारना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी लमसम मनी आपके हाथों से इधर उधर हो सकता है इस महीने में, ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। और साथ ही साथ जब मैं देखता हूँ तो आपके 12th हाउस में चंद्रमा का आ जाना तो ये दिखाता है छोटी छोटी जर्नी, तो इसका मतलब जर्नी इसके ऊपर भी खर्चा जो है वो आएगा। लेकिन साथ ही साथ आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में राहु का आ जाना, 10th हाउस में राहु, और 10वें घर के लॉर्ड का 12th हाउस में आना, जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका बिजनेस जो है जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, किसी और जगह जाके रिलोकेट होना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय अच्छा है। लेकिन जो नहीं चाहते हैं और उनको मैं कहूँगा कि आप खुद ही अपने कुछ चीज़ों में बदलाव करें तो अच्छी बात है, नहीं तो काम की गति रुकेगी या फिर आपके खर्चे अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएंगे जो आप करना नहीं चाहते हैं, कि ये खराब हो गया वो खराब हो गया, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और वहीं चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में है जहाँ श्रेष्ठ वापसी है, तो हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान काम कर रहा है जो सही नहीं है, जिसके ऊपर डाउट है, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जिसके पास परमिशन नहीं है, उसकी वजह से आपको फाइन भी आ सकता है। तो थोड़ा सावधान आपको इस समय के दौरान रहना होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको इस समय में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जो है, जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन, जब बहुत ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद ना करके आपको इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना होगा। आर्गुमेंट के चांसेस हैं, कोई भी इंसान अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपका मिसयूज़ कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी बात के लिए ऑथराइज नहीं है, आप कोई काम आपके अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन आप किसी का काम देख रहे हैं और अपनी कहते हैं ना आपके संबंधों की वजह से देख रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने कोई भी काम किया, आपने कोई साइन कर दिया, कोई चीज़ रिलीज़ कर दी, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी और इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। आर्गुमेंट से बचें, कोई भी इंसान आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता है, तो अपने कलीग से, अपने क्लाइंट से बेहतर तरीके से डील करें तो ये बात बन जाएगी, नहीं तो आप खाली हाथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो है अपने लिए पैदा कर लेंगे। तो कुल मिला के इस मामले में, कामकाज के मामले में आपको सावधान रहने का, खर्चों का सिलसिला है तो खर्चे इस बार होंगे, और मैं यही कहूँगा कि आप फिर भी मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाल रखी किसी परमिशन के लिए या लोन जो मनी बोरो करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश ये करिए कि आपको डेट कभी भी लेना ना पड़े, आपको कर्जा कभी भी लेना ना पड़े, क्योंकि कर्जा जो होता है 1 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का हो, कुछ भी हो,
ये पैसा जो है जब आपके पास आता है तो ये धीरे धीरे करके आपको खा लेता है। कोशिश करें जो आप अर्न करते हैं आप उसी से अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने की कोशिश करें ताकि आपके पास पीस ऑफ माइंड बना रहे। और क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपने अगर किसी से पैसा बोरो किया है, आप चाहे मुश्किल में आप उसके पैसे लौटाना चाहते हैं, तो कई बार आप अपने आप को जोखिम के में डालकर भी ऐसा करते हैं। जैसे आपने किसी से पैसे बोरो किए लेकिन आपका बात नहीं बनी, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टी अपनी बेचकर, अपना घर बेचकर मतलब वो पैसे देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अपनी रेपुटेशन प्यारी है, आपको आपकी नेचर के हिसाब से आप ऐसा कर लेते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को इस महीने में बैलेंस करें ताकि कोई बड़ी मुश्किल इस महीने में आपको परेशान ना कर पाए। उपाय के रूप में यही कहूँगा कि जितना हो सकता है बड़ों का आशीर्वाद लें। बड़ों का आशीर्वाद इस समय सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है। अगर वो मुश्किल है, दूर रहते हैं, तो पीले रंग की चीज़ों का दान धर्म स्थान में करते रहें, वो आपके लिए लाभदायक होगा। और उसमें भी चना दाल बेसन की बर्फी आपके लिए सबसे उत्तम उपाय जो है वो साबित हो सकता है। और अपने गुस्से पे जरूर काबू, गुस्से का मतलब यह है कि आप कई बार गुस्से में नहीं होते लेकिन कुछ बात ऐसी कह देते हैं जिससे सामने वाले को हर्ट होता है, तो थोड़ा सा वाणी में मिठास ले आए तो बात बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे अब मई महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।